जय साथियों, सबसे पहले स्वागत है आप सबको इस वीडियो पे। साथियों, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के तरफ से स्नातक प्रथम खंड परीक्षा 2022 की तिथि जारी कर दी गई है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोगों के परीक्षा कब से लिए जाएंगे और इस परीक्षा में कौन कौन से कैंडिडेट शामिल हो सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, वीडियो छोड़ तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑन करके जरूर रखिएगा, ताकि मिथिला यूनिवर्सिटी से जो भी इन्फॉर्मेशन मैं अपलोड करूंगा तुरंत आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसके लिए मैं lnmuinfo.in के वेबसाइट पे चलता हूं, क्योंकि सभी जानकारी वहां पे डाल दी गई है। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस वेबसाइट का आप लोग चेक कर सकते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर को ओपन करिए और गूगल सर्च बार में टाइप करिए www.lnmuinfo.in। जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इस प्रकार से टाइप करना है। ऐसे इसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, लिंक पर क्लिक करिएगा और डायरेक्ट आप इस साइट पे आ जाएगा। इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पार्ट वन ब्रेकिंग न्यूज आ चुका है, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं। वैसे आपको संपूर्ण जानकारी यहाँ पे मिल जाएगा। नीचे आना है, लेटेस्ट अपडेट आया है, इसीलिए लेटेस्ट अपडेट पे ही चलना है, न्यू वाला पर। ठीक है, तो नीचे आइएगा, यहाँ पे देख सकते हैं कि लेटेस्ट न्यूज अनाउंसमेंट और सर्कुलर्स में यहाँ पे आप लोग न्यू अपडेट देख सकते हैं कि LNMU पार्ट वन एग्जाम डेट जारी। ठीक है, मिथिला विश्वविद्यालय ने जारी किया स्नातक प्रथम खंड परीक्षा 2022 की तिथि और कौन कौन से शामिल होंगे, इसी पे आप लोगों को क्लिक करना है। ठीक है, अब जैसे ही क्लिक करिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। आप लोगों को नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पे संपूर्ण जानकारी दी गई है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस परीक्षा में कौन कौन से कैंडिडेट शामिल हो सकते हैं। देखिए, जिनका सत्र 2018 से 2021 होगा, जो अभी तक पास नहीं हुआ पार्ट वन, वो भी शामिल होंगे। जिनका सत्र 2019 से 2022 होगा, वो भी जो पास नहीं हुआ होगा, वो भी शामिल हो सकते हैं। जिसका सत्र 2020 से 2023 हुआ है, जो अभी तक पास नहीं हुआ पार्ट वन, तो वो भी शामिल हो सकते हैं। और सत्र 2021 से 2024 वाला तो शामिल होंगे ही। तो सत्र जान लिया ना, कौन कौन से कैंडिडेट शामिल हो सकते हैं। बता दूं कि सत्र 2021 से 2024 वाले कैंडिडेट के परीक्षा प्रपत्र पहले ही कॉलेज के द्वारा भरा गया है, तो आपको फिर से परीक्षा प्रपत्र भरने की जरूरत नहीं है। आप लोगों का डायरेक्ट एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद जितने भी सत्र 2018 से 2021 वाला कैंडिडेट है, या 2019 से 2022 वाला है, या 2020 से 2023 वाला कैंडिडेट है, उनके परीक्षा प्रपत्र भरे जाएंगे। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे परीक्षा प्रपत्र कब से भरे जाएंगे और कब तक भरे जाएंगे, तो विश्वविद्यालय के तरफ से नोटिस आई है कि वैसे कैंडिडेट परीक्षा प्रपत्र 18 अक्टूबर 2022 से 22 अक्टूबर 2022 तक बिना किसी विलम्ब शुल्क के भरेंगे। ठीक है, अगर आप उससे ज़्यादा तिथि में भरते हैं तो आप लोगों को 30 रुपया फाइन लगेगा, और 30 रुपया फाइन के साथ 23 अक्टूबर 2022 से 25 अक्टूबर 2022 तक परीक्षा प्रपत्र भरे जाएंगे। ठीक है, तो विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर ही भरे जाएंगे। इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे दूंगा कि कैसे एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, और एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कब से लिए जाएंगे स्नातक प्रथम खंड की परीक्षा, अर्थात पार्ट वन BA BSc BCom वाले कैंडिडेट की परीक्षा। तो इसके बारे में यहाँ पर सूचना दी गई है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इस परीक्षा में कौन कौन से कैंडिडेट शामिल हो सकते हैं। आप लोगों के जो परीक्षा लिए जाएंगे वो विश्वविद्यालय के तरफ से प्रस्तावित तिथि यहाँ पे दी गई है। आप लोग देख सकते हैं कि प्रस्तावित तिथि है 9 नवंबर 2022, अर्थात 9/11/2022 से आप लोगों के परीक्षा लिए जाएंगे, ऐसा सूचना यहाँ पे देखने को मिला है। और यह 100% विश्वविद्यालय के तरफ से जारी की गई अधिसूचना है। यह अधिसूचना 15/10/2022 को जारी किया गया है। तो आप लोग अब परीक्षा की तैयारी में जुट जाइए। परीक्षा की तैयारी के लिए जो इम्पोर्टेंट गेस पेपर या गेस क्वेश्चन है, वो रेखा प्रकाशन का है, आपको मार्केट में मिल जाएगा रेखा प्रकाशन के गेस क्वेश्चन और गेस पेपर। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को जानकारी समझ में आ चुका है कि आप लोगों के परीक्षा कब से लिए जाएंगे और कब तक लिए जाएंगे, किन 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 के लिए परीक्षा प्रपत्र भरना है और किन को नहीं भरना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।